स्टूडेंट्स, कहानी चंदोआ, कहानीकार डॉक्टर करतार सिंह सूरी। चंदोआ कहानी साड़ी पंजाबी दी पाठ पुस्तक काव्य कथा श्रेणी विच दर्ज है। असी पहले चंदोआ कहानी दे विशा ते अंत नूं डिस्कस कीता सी, ते मैनूं उम्मीद है कि तुसी अपनी कापियां उत्ते नोट कर लिया होवेगा। अज असी एक प्रश्न करांगे। प्रश्न है, कहानी चंदोआ के आधार पर गोपाल सिंह का पात्र चित्रण अपने शब्दों में लिखो। जिसके पॉइंट्स ने बेटे, पहला जान शान, दूसरा अमीर ते हंकारी आदमी, तीसरा जवान का बहुत मिठा ते दिल का काला, चौथा पॉइंट गरीब रिश्तेदार प्रति मन विच नफरत रखने वाला, पंजवा पॉइंट अपनी पोजिशन बारे फिक्रमंद, छेवा पॉइंट भैड़े शब्द बोलन वाला, सत्तवा पॉइंट रिश्तेदारी नालों पैसे नूं वध तरजीह देने वाला। हुण असी पहले पॉइंट ते आवांगे। पहला पॉइंट जान पछाण। गोपाल सिंह चंदोआ कहानी का एक सहायक पात्र है। वह अपने घर विच अपनी पत्नी दे नाल रहिंदा है। उसके नौकर का नाम खुशिया है। कहानी दियाँ बहुत सारिया घटनावां उस नाल संबंध रखदियां हैं। अगला पॉइंट है अमीर ते हंकारी व्यक्ति। गोपाल सिंह एक अमीर ते हंकारी आदमी दे रूप विच साडे सामने दृष्टमान होया है। असल विच गोपाल सिंह दा शहर दे मन्ने परमन्ने लोकां नाल उठना बैठना हुंदा है। ओ क्योंकि ओ शहर दा एक तनाड व्यक्ति है, ते इसे कारण उसनू अपने पैसे दा हंकार हुंदा है। जबान दा बहुत मिठा ते दिल दा काला। गोपाल सिंह जबान दा बहुत मिठा ते दिल दा काला पात्र दे रूप विच साडे सामने स्पष्ट हुंदा है। असल विच जदों जीवन सिंह अपने परिवार समेत मामे दे राज भवन विच प्रवेश करदा है, उत्थे जा के गोपाल सिंह नूं आखदा है, मामा जी सत श्री अकाल। तां गोपाल सिंह पुछदा है, जीवणिया कौन? पर हकीकत दे विच उस नूं मामा शब्द हिक दे विच बंदूक दे तुकाड़े वांग वजदा है। तो अपने मन विच ख्याल करदा है कि जेकर जून सिंह उस नूं मामा शब्द कह के संबोधन ना करदा, तां ओ एन ओल्ड सर्वेंट ऑफ माइंड कह के उसका जान पछाण करवा देंदा। गरीब रिश्तेदारां प्रति मन विच नफरत रखण वाला। गोपाल सिंह गरीब रिश्तेदारां प्रति मन विच नफरत रखदा है। इह गल कहानी विच उस समय स्पष्ट हुंदी है जदों जून सिंह अपने परिवार समेत अपने काके दी सुखना पूरी करन दे लई अमृतसर पहुँच के अपने मामे दे राज भवन विच ठहरदा है। इह गल गोपाल सिंह अते उसदी पत्नी नूं चंगी नहीं लगदी, इसलिए ओ अपनी पत्नी नूं आखदा है कि आउंदे ने ते दफा करने दो चार मनियां खवा के। अगला पॉइंट बच्चे, अपनी पोजीशन बारे फिक्रमंद। ओ अपनी पोजीशन बारे बहुत फिक्रमंद है। ये गल साडे सामने उस समय प्रतक हुंदी है जदों गोपाल सिंह अपनी पत्नी दे राही ये गल पता लगदी है कि इंदर कौर आखदी सी कि वो इत्थे रह के चंदोआ तैयार करेगी। तां गोपाल सिंह दे मन विच तोखला पैदा हो जाता है
कि जेकर उसका परिवार ज्यादा देर तक उन्हां दे घर टिकिया रहा तो उन्हां दी शहर विच बनी बनाई इज्जत मिट्टी विच मिल जाएगी। 6. भैड़े शब्द बोलन वाला। गोपाल सिंह कहानी विच बहुत भैड़े शब्दों की वरतों करता है। जदों जीवन सिंह अपने परिवार समेत गुरु बाबे दे दर ते मत्था टेकन गया हुंदा है ते उन्हां दी गैर मौजूदगी दे विच ओह अपनी पत्नी दे नाल अपने पनेवे बारे बहुत ही माड़े शब्दों की वरतों करता है। पैड़े किचर, चंगड़ा दी टोली, कावां दी डार। इस तरह ये स्पष्ट हुंदा है कि गोपाल सिंह दी बोली विच बिल्कुल भी मिठास नहीं बल्कि वो भैड़े शब्द बोलन वाला पात्र है। अगला पॉइंट बच्चे, रिश्तेदारी नालों पैसे नू वध तरजीह देन वाला। गोपाल सिंह अपने रिश्तेदारा नाल रिश्तेदारी गंढा नालों पैसे नू वध तरजीह देंदा है। कहानी दे अंत विच असी पढ़ते हाँ कि जदों जीवन सिंह ते उसका परिवार उसके घर ठहरन बारे सोचता है तां उन्ना दी गैर मौजूदगी दे विच वो अपनी नौकर दी मदद दे नाल उन्ना दा समान कोठी तो बाहर रख दिंदा है क्योंकि उसनू अपने पनेवे दे नाल रिश्तेदारी गंढन नालों अपनी पैसे दी अहमियत नू ज़्यादा समझदा है।